गुड आफ्टरनून गाइस, अभी हम कैप का वेरियस पोर्शन वाला स्टील बना रहे हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा 20 की मास्टर रिंग के लिए कटिंग कर रहे हैं हम, तो देखिए यहाँ पे हमारी ये कटिंग मशीन है। अभी इन्होंने वेरियस वाला कट कर दिया है, तो मैं आपको दिखा दूंगा अभी ये कौन सा वाला डाया का बना रहे हैं। तो ये वेरियस वाला का बना के रखा है हमने, तो इसी हिसाब से ये बन रहा है। ये तो सब रिंग का है, अभी ये 20 वाली मास्टर रिंग का बना रहे हैं। तो अभी ये कौन सी बना रहा, कितना कटिंग किया है इसका? ये है 7 मीटर 472। ये सबसे लास्ट वाली बना रहे हैं अभी, तो अभी इसका हम देखते हैं। चलो बनाता हूँ। वेरियस वाला बनेगा ये, ये बेंडिंग मशीन है। बेंडिंग मशीन पे हम स्टील को वेरियस शेप में बनाते हुए एक कैप का वेरियस वाला बना रहे हैं। तो कैप का हमने मास्टरिंग भी बना दी है, सब रिंग भी बना दी है पूरी, वो भी दिखाऊंगा मैं अभी। अभी इसकी कुंडी बन गई, अभी इसको लॉक करेंगे चारों तरफ से, और वहाँ पे हमारी कटिंग मशीन रखी हुई है। अभी इसकी रिंग लॉक करेंगे। वो उन्होंने वहाँ पे मार्क किया हुआ है पहले कितना लेना है उसकी। अब ये सेम एक जैसी दो रिंग बनेगी हमारी, अब इसको अलग सेट करके रखेंगे। सेम ये देखिए, ये मास्टर रिंग का सेट बना हुआ है मेरा। ये मिडल वाला पोर्शन है, ये वेरियस वाला पोर्शन यहाँ रखूंगा मैं, और ये उसकी सब रिंग 12 mm की, ये भी हमने टोटल बना के रखी है अभी 12 की, देखिए। और ये 12 mm की वेरियस वाली, ये 12 mm की वेरियस वाली, एक साइड में 10 रिंग लगेगी, तो उसी हिसाब से 10 बना के रखी है। और ये सबसे लास्ट वाला पोर्शन 500 हाइट वाली। अभी एक जैसी दो रिंग बनती है दो टेपर की तरफ, तो ये बोथ साइड हम लगाएंगे अभी। देखिए इनका सिस्टम, देखिए यहाँ पैर के पास उन्होंने रखा हुआ है उसका पैंडल, तो उसको प्रेस करते ही उन्होंने अपना मशीन सेट करके रखा है, तो उसी हिसाब से ये अपना स्टील बेंड कर रही है। और ये 32 mm का टोटल 32 पीसीस का एल मार के रखे हुए हैं हमने विथ लैप पकड़ के भी। और ये 20 mm का एक सेट की दो रिंग बनेगी, एक LHS में लगेगी एक RHS में लगेगी, दोनों बोथ साइड टेपर में। अब इसका वेरियस कैसे निकालते हैं अगले वीडियो में बताऊंगा मैं। मेरे पास स्टील कौन सा स्टॉक में आपको बता रहा हूँ अभी। देखिए सबसे पहले 16 का बंडल है, ये सेकंड वाला 20 का बंडल है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 20। ये है 10 का बंडल, उसको भी लिखा हुआ है, इसके नीचे मैंने स्टील ज़मीन पे नहीं रखा जाता, इसलिए मैंने इसके नीचे ISM भी रखा हुआ है। एक बंडल तो यहाँ 12 का रखा हुआ है मैंने, और यहाँ पे टोटल 4 बंडल मैंने 12 के और एक बंडल मैंने 10 का रखा हुआ है, क्योंकि अभी मेरा स्लैब चालू होने वाला है। देखो क्रॉस गटर, एक की टी शटर भी किया है, उसकी कंपाउंड भी लगाया है उन्होंने सिल्वर वाला, जो उसके एक्स्ट्रा बार हैं जो स्लैब के साथ अटैच होंगे क्रॉस गटर के, तो ऊपर जाके मैं इसका भी एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा क्रॉस गटर का। और इंटरमीडिएट तक मेरी शटरिंग भी फाइनल हो चुकी है स्लैब की। देखिए 20 mm का स्टील अभी यहाँ से लेके जाएंगे ये लोग,
और उसको कटिंग करेंगे। और वहाँ पे क्रॉस गटर की शटरिंग भी हो रही है। यहाँ पे मेरा बेड फॉर्मेशन के लिए मिट्टी हटा रहा है अभी, जो कैप के लिए हमने फिलिंग की हुई थी। यहाँ पे हमने प्लेटफॉर्म बनाया है लेबर को स्टैंडिंग करने के लिए, जाली रखी हुई है। और वहाँ पे वो शटरिंग वगैरह अभी सोल्जर ऊपर दे रहा है, उसके ऊपर सोल्जर फिट करेगा, क्योंकि सोल्जर के साथ टायर रॉड लगाएगा वो तो फिक्स हो जाएगी। और यहाँ पे ये नीचे मटेरियल देने के लिए है। सेफ्टी बेल्ट रखा हुआ है, सेफ्टी बेल्ट लगा ले पहले। लेबर की सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी पर रखेंगे तो वर्क भी अपना स्मूथली होता है। ये देखिए आप, नीचे का बॉटम तक पूरा फाइनल हो चुका है मेरा, इंटरमीडिएट तक। अभी बीच का पोर्शन बाकी है तो उसको भी फिल करेंगे हम प्लाई के साथ। अभी ये कटिंग करके एक जेसी, तो पहले आपने दो दिखा दी थी मैंने आपको, दो रिंग तो बन गई। अभी नेक्स्ट तो बनाएंगे, फिर उसको रखेंगे, वहाँ पे जाके कटिंग का सेट बना लेंगे पहले।